नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समाचार कार्य हिंदी न्यूज YouTube चैनल में। और आज बहादुरगढ़ की धरती पर एक इतिहास लिखा जा रहा है। आज देशभक्तों के द्वारा फौजियों को समर्पित रक्तदान शिविर में यहां पहुंच रही हैं हरियाणा प्रदेश की विभिन्न हस्तियां। और ऐसी ही एक शख्सियत आज हमारे साथ है, बिंदर दणोदा। युवाओं के दिलों पर राज करने वाले हरियाणवी लोक गायक है, कलाकार हैं और लगातार हरियाणवी संस्कृति को जन जन तक पहुँचाने का बीड़ा उठाए हुए बिंदर दणोदा। हम बात करेंगे बिंदर जी से। बिंदर जी, लगातार आप हरियाणवी संस्कृति को लेकर के, चाहे वो हरियाणवी पॉप म्यूजिक कहें या हरियाणवी संस्कृति में हरियाणवी बोल कहें, लगातार आप युवाओं में भेजते रहे हैं, दिखाते रहे हैं। वर्तमान में जो हरियाणवी संस्कृति को लेकर के अश्लीलता शब्द जो जुड़ा है, चाहे वो डांस से लेकर के हो, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, क्या कहना है आपका? मैं यही कहना चाहूँगा कि देखो, आज बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया हरियाणवी कल्चर, हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री। जो पहले होता था, से 10 साल पहले होता था, वो आज बिल्कुल नहीं है। अपने को थोड़ा सा पॉजिटिव होना पड़ेगा इस क्षेत्र में। अश्लीलता है अब भी कहीं ना कहीं, परंतु बहुत अच्छे अच्छे युवा कलाकार आए हैं और पुराने जो मेहनती साथी थे, उन्होंने इस कल्चर को एक डाइवर्जन दे दिया है अच्छे लेवल पर। आज इंटरनेशनल लेवल पर हरियाणवी को हम आगे लेके जा रहे हैं। और रही बात सोशल मुद्दों की, जैसे रक्तदान है या बेटी है या जमींदार है, कोई भी है सोशल मुद्दा है, उस पर मैं लिखता रहा और आगे भी लिखता रहूंगा। आप जैसे सभी दोस्तों का, साथियों का प्यार मिलता रहा, तो जरूर बहुत जल्दी हरियाणवी इंडस्ट्री, पंजाब इंडस्ट्री और बहुत सी जो अन्य इंडस्ट्री है उनसे भी आगे जाएगी, ऐसा मेरा मानना भाई साहब। और आज इस जो रिकॉर्ड तोड़ यहां रक्तदान हो रहा है, युवाओं में जोश है, हाँ, फौजियों के प्रति, रक्तदान के प्रति, क्या संदेश है आपका, क्या कहना है? युवा आपके फैन भी हैं, लगातार आपको फॉलो करते हैं, आपको देखते हैं, क्या संदेश है आपका? एक बार तो मैं जितने भी भाई समाचार कैरी के जो व्यूअर हैं उनको मैं नमस्कार करूंगा और मैं कहूंगा कि इनको एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे जो जो अपने मीडिया वाले हैं वो भी बहुत ज़्यादा आगे इन सोशल मुद्दों को ले जाने का, बड़ा इनका भी चौथा स्तंभ कहा जाता है इनको। और रही बात इस रक्तदान की, तो मैं भाई बंटी दलाल और जो भगत सिंह मैत्री संघ है बहादुरगढ़ का, इनको बार बार सैल्यूट करता हूँ। इतने ऊंचे स्तर पर इन्होंने रक्तदान करवाया है और फौजी भाई जो हमारे लिए सीमा पर लड़ते हैं और हमारे लिए दिन रात एक कर देते हैं, उनको हम कहीं ना कहीं थोड़ी सी हेल्प कर सकते हैं रक्त के माध्यम से। तो आप सभी युवा साथियों से और जितने भी अन्य संस्थाएँ हैं, चाहे वो सामाजिक है, राजनीतिक है, तो कम से कम साल में एक बार रक्तदान के लिए ऐसे शिविर लगाएं। और हम सभी कलाकार साथी जो आपके लिए बिल्कुल फ्री अवेलेबल होंगे, क्योंकि ये देश के लिए और सैनिकों के लिए हम जो भी कर सकते हैं हम हमेशा तैयार रहते हैं, ऐसा मेरा मानना। युवाओं, आप बढ़ चढ़ कर आपको रक्तदान करना चाहिए, खासकर फौजी भाइयों का जब सवाल आता है तो बिल्कुल भाग के दौड़ के जाना चाहिए आपको जी। और निश्चित तौर से आज यहाँ एक प्रेरणा दी है दणोदा जी ने, युवाओं को एक संदेश दिया है कि इस तरह के कार्यक्रमों में युवा बढ़ चढ़ कर भाग लें, अपनी देशभक्ति का परिचय दें। आप देख सकते हैं इस समय इनके साथ पूरी टीम यहाँ रक्तदान करने के लिए आई हुई है। मैं आपको बता दूं, भाई नीनो सिंदर, रविंदर रुवाल और धर्मवीर बबुआ है, नवनीत वर्मा जी हैं और भी अशोक है जी, दीपक गुलारा, मेरी पूरी टीम, बाबूली टीम रक्तदान करने के लिए आई है। और मैं अन्य जितने भी संस्थाएं हैं और जो टीम है हरियाणवी कलाकारों की, आप भी जरूर इन जैसी जो कार्यक्रम है सपोर्ट करिए प्लीज जी। और यहाँ पर धन्यवाद करते हैं ऐसे कलाकारों का जो अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पहुंचे हैं रक्तदान करने के लिए, यहाँ पर आए हैं, युवाओं को संदेश दे रहे हैं और भारत देश के विशेष तौर से हरियाणा के युवाओं को, जो बहादुरगढ़ के युवा हैं, वो सौभाग्यशाली हैं कि आज हरियाणा प्रदेश की विभिन्न हस्तियां यहां पहुंच रही हैं उनके हौसला अफजाई के लिए। कैमरामैन रवि कुमार के साथ समाचार कैरी के लिए संजय शर्मा की रिपोर्ट।